ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं कृतिका और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है, जहां 11 मई से अयोध्या में राम मंदिर का काम धीरे धीरे शुरू हो चुका है। जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ढांचे के मलबे को हटाने के लिए समतलीकरण का कार्य शुरू कराया, तो इस दौरान मंदिर के प्राचीन अवशेष मिले, जिनमें प्राचीन मूर्तियां और शिवलिंग, आमलक, कलश और चौखट शामिल हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन को लेकर जारी निर्देशों के अनुसार राम जन्मभूमि परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिर निर्माण से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें 3 जेसीबी मशीन, 1 क्रेन, 2 ट्रैक्टर व 10 मजदूर लगाए गए हैं। अभी तक जहां जहां खुदाई हुई है वहां से और आसपास की जगहों से देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, पुष्प कलश, कलाकृतियां आदि चीजें निकली हैं। अयोध्या लॉकडाउन के चौथे चरण प्रारंभ होने के साथ अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य भी तेज कर दिया गया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए अयोध्या से शैलेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।